हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल डरना मत। आज का जो हमारी हॉरर स्टोरी है, हॉरर कहानी है, वो घूमती है मुंबई और राजस्थान के बीच। तो ये जो हुआ है, एक कपल के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ये उनके हनीमून के टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है। मैं आज की स्टोरी की शुरुआत करता हूँ। विष्णु की शादी हुई थी 1999 में और वो शादी के लिए गए थे राजस्थान में हनीमून पे। शादी के बाद कपल दोनों प्लान करते हैं, माधवी उनकी वाइफ का नाम था, माधवी और विष्णु दोनों प्लान करते हैं राजस्थान घूमने का। इनने 6 दिन का ट्रिप प्लान किया था। पहले दिन ये पूरे राजस्थान के एरिया के अलग अलग फोर्ट इनने एक्सप्लोर किए, जितने पैलेसेस थे वो एक्सप्लोर किए, बहुत सारी अदर म्यूजियम्स एक्सप्लोर किए, बहुत सारी चीजों ने राजस्थान की एक्सप्लोर की। फिफ्थ डे वो उनने रिजॉर्ट चेंज किया। 4 दिन वो एक रिजॉर्ट में रुके थे और लास्ट के 2 दिन के लिए उनने अलग एक रिजॉर्ट बुक किया था, क्योंकि उनको अलग एरिया कवर करने थे। तो ये उस रिजॉर्ट में जाके रुके। अब जब ये उस रिजॉर्ट में जाके रुके, खाना पीना इनने रात का डिनर किया और डिनर करके सो गए। जब डिनर करके सोए, विष्णु ने रियलाइज किया नींद में, जब वो उठा रात में 1:30-2 बजे के करीब, जब वो उठा उसने देखा कि उसकी वाइफ बाजू में नहीं सो रही थी और वो अचानक डर गया। फिर उसको रियलाइज हुआ कि शायद वो टॉयलेट वगैरह गई होगी, वॉशरूम गई होगी। तो वो 10-15 मिनट बेड पे बैठा रहा इंतजार करते हुए कि उसकी वाइफ वॉशरूम से आ जाए। जब 15 मिनट भी बीत गए, 20 मिनट बीत गए और कोई उसे आवाज नहीं आई, तो वो वॉशरूम की तरफ गया, वॉशरूम नॉक किया। देखा तो उसने वॉशरूम का दरवाजा लैच बाहर से लगा हुआ था, उसने लैच खोला, अंदर कोई नहीं था, पूरे रूम में इनफैक्ट कोई नहीं था। उसने पूरे फ्लोर में घूम के देखा, इनफैक्ट वो कहीं उसकी वाइफ बाहर निकल के कहीं टहल रही हो, कुछ हो, उसे कोई भी दिखा नहीं। ये अपने रूम में आया विष्णु, उसने नीचे रिसेप्शन पे फोन लगाया और पूछा कि मेरी वाइफ मुझे रूम में मिल नहीं रही है, क्या वो नीचे आई है? तो उनने बोला, अभी तक ऊपर से कोई भी नीचे नहीं आया है, 10 बजे के बाद आपकी वाइफ नीचे नहीं आई है अभी तक। तो वो भी बहुत मीन्स डर गया, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने फोन उठाया अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए और डायल किया, और तब उसे रियलाइज हुआ उसके रूम में ही उसकी रिंग की आवाज आ रही थी। वो फोन अपने रिजॉर्ट के उस रूम में ही रख के चली गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं, वो टेंशन में इधर उधर टहल रहा था। उतने में उसे रिसेप्शन से फोन आया, एक फीमेल रिजॉर्ट के टेरेस पे जाके, जो कॉर्नर का कंपाउंड होता है, कॉर्नर की वॉल होती है, उस वॉल पे बैठी हुई है, दोनों पैर बाहर की तरफ लटका के। ये भाग के ऊपर गया, रिसेप्शन का एक स्टाफ था वो और उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे ये 4 लोग भाग के ऊपर गए। और वो नाइटी में, जो नाइट गाउन होता है, उसमें वो बैठी हुई थी पैर फैला के बाहर की तरफ। तो पहले तो ये सब बहुत डर गए, फिर विष्णु ने कहा कि कोई आगे मत जाना, क्योंकि कल को धक्का वगैरह लग जाए या वो जम कर दे डर के मारे, वो नहीं चाहिए, मैं धीरे से आगे जाता हूं। वो विष्णु धीरे 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 करके आगे गया। जब आगे गया और उसने अपनी वाइफ को आवाज दी, तो उसकी वाइफ टर्न हुई, और टर्न हुई तो उसने देखा उसका सिंदूर जो था, माथे पे सिंदूर लगा हुआ था, वो पूरा माथे पे बुझा हुआ था, पूरे माथे पे रब हुआ पड़ा था सिंदूर, पूरे जो बाल थे उसके बिखरे हुए थे, और वो बहुत ही गंदी तरह से हंसने लगी। विष्णु ने पूछा कि उसे क्या हुआ है। विष्णु जैसे ही उस अपनी वाइफ के सामने गया, उसने बहुत जोर से विष्णु को लात मारी। माधवी ने इतनी जोर से विष्णु को लात मारी, वो जोर से सर के बल गिर गया और 5 मिनट के लिए वहीं पे अनकॉन्शियस हो गया। और ये देख के जितने भी स्टाफ थे वो सब भी बहुत डर गए कि ये अचानक क्या हुआ है। थोड़ी देर में वो नीचे उतरी और ऐसे बिहेव करने लगी कि जैसे उसे पता ही नहीं है कि उसने ही उसे लात मारी है। पूछने लगी कि इसे क्या हुआ है, ये कैसे गिर गया, चलो इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। स्टाफ भाग के आया, उसे उठाया, इन लोगों ने एक एम्बुलेंस मंगवाई,
विष्णु को एम्बुलेंस में डाल के ये लोग हॉस्पिटल लेके गए। जब वहां पे मल्टीपल सीटी स्कैन्स हुए, एक्सरे हुए, तब उन्हें पता चला कि बैक साइड में विष्णु के स्कल फ्रैक्चर हुआ है। स्कल में फ्रैक्चर हुआ था, इतना बुरा वो सर के बल गिरा था, और उसे कंप्लीट 1 महीने का बेड रेस्ट देना पड़ेगा। ये भी वहां के डॉक्टर्स ने इंटीमेट किया। विष्णु ने अपनी फैमिली को इंटीमेट किया। वहां से उसके भाई, उसके डैडी इमिजिएटली यहाँ पे पहुंच गए। उन्हें नेक्स्ट फ्लाइट करके ही इमिजिएटली यहाँ पहुंचे, विष्णु को लिया, उसकी वाइफ माधवी को लिया और अपने घर के यहाँ चले गए। सब घर के अंदर गए और तब इनने रियलाइज किया जो माधवी है वो घर के अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे पूछ रहे थे कि तुझे क्या हुआ, तू घर में क्यों नहीं आ रही है। वो कुछ भी आंसर नहीं कर रही थी और वो बहुत परेशान यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां घूम रही थी। बाल पूरे बिखरे हुए थे, सिंदूर सर में बिखरा हुआ था, और जैसे कि उसके दिमाग में हजार चीजें चल रही है, वैसे टेंशन में वो इधर से उधर, उधर से इधर, कभी सीधा चलती कभी उल्टे पैर चल रही थी। और ये देख के सब फैमिली मेंबर बहुत डर गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा वियर्ड, ऐसा अजीबो गरीब बिहेव क्यों कर रही है। इनने इनके एक पंडित को बुलाया। पंडित आए, पंडित ने जब इनकी कंडीशन देखी, उनने बोला कि ये कुछ नॉर्मल चीज नहीं लगती है, मेरा एक दोस्त है, वो तांत्रिक है, मैं उसे लेके आता हूँ। वो उसे लेके 1-45 मिनट्स में आ गया पंडित। वो तांत्रिक ने इन्हें देखा और उनने कुछ मंत्र वगैरह शुरू किए। जैसे ही वो तांत्रिक कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा था, उस माधवी ने उस पंडित का हाथ पकड़ा और जोर से हाथ का पूरी स्किन के साथ फाड़ दिया। इतना बुरा फाड़ा कि हर जगह से उसे बहुत बुरी ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी स्किन का एक पोर्शन नीचे लटकना शुरू हो गया। वो गेट के बाहर भागा और उसने बोला कि ये बहुत पावरफुल जो कुछ है वो है, चाहे ये एंटिटी है या जो भी है नेगेटिविटी, ये बहुत स्ट्रांग है। मेरे एक गुरु है, मुझे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको आने में टाइम लगेगा, बट वही इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। मेरे से तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस एंटिटी को कंट्रोल कर पाऊं। और वो घर के अंदर नहीं आ रही थी, वो भाग रही थी यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, उसका नॉन स्टॉप भागना चल ही रहा था। 5.5 से 6 घंटा गार्डन के अंदर चल चल के वो इतनी थक गई कि वो एक जगह बैठ गई और बस अपने सर घुमाई जा रही थी, सर यहां से वहां, वहां से वहां हिलाई जा रही थी। 5.5 घंटे बाद वो जो गुरु थे, तांत्रिक के गुरु थे, जो मेन तांत्रिक थे, वो आए। उनने ये कंडीशन देखा, फैमिली ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ किसी ना किसी तरह से इसे घर के अंदर लेके जाया सकते हैं, कि हम कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता है जो करके हम इसे घर के अंदर ले जा सके। उनने कहा, तांत्रिक ने, कि पॉसिबल ही नहीं है, आप कुछ भी इसके ऊपर फोर्स मत करो, पहले हमें ये देखने दीजिए कि इसके पीछे की वजह क्या है और किसने इसे पोजेस किया है। जब तक हमें क्लियर सब कुछ पता नहीं चलता है, इस लड़की के ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती या कुछ उसके ऊपर फोर्स मत करना। उनने एक सर्कल बनाया और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए। जैसे ही उनने वो एक सर्कल बनाया और उनने कहा कि अब ये सर्कल से बाहर नहीं निकलेगी, वो बहुत आराम से वो सर्कल को क्रॉस कर रही थी, बार बार उस सर्कल से बाहर आ जा रही थी। वो इतनी स्ट्रांग एंटिटी थी, उसे उस सर्कल, जो लक्ष्मण रेखा या कुछ भी बनी होगी, उस चीज से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हर आए नेक्स्ट मिनट में बाहर आ रही थी। तो उस तांत्रिक ने भी कहा कि बहुत स्ट्रांग एंटिटी है, बट इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। उनने अपने झोले में से एक भगवान की फोटो निकाली और वो उसके ऊपर रख दी। जैसे ही उसके ऊपर रखी, वो जोर जोर से रोने लगी। उसे मीन्स खुद का सेंसेस ही नहीं था, बहुत जोर जोर से रोने लगी। और जब उसे तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है, तेरी आइडेंटिटी बता, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं थी। इनने अपने झोले में से एक माला थी उनके पास, जिसमें 10 से 12 भगवानों की छोटी छोटी फोटो थी, वो उसके गले में डाल दी। और तब तो वो चीखने लगी और वापस से जोर जोर से रोने लगी और एक ही चीज कहने लगी कि मैंने तीनों से बदला ले लिया है, मैं चौथे को भी नहीं छोड़ूंगी।
इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जब वो शांत हुई तो उनने एक विभूति ली, विभूति एक डब्बे से निकाली, उसके माथे पे 5 से 6 बार विभूति रगड़ी और एक पानी कुछ तो बाउल में लेके आए थे, वो पानी उस लड़की के ऊपर फेंका और फिर वो माधवी बेहोश हो गई। 12 से 13 मिनट बाद वो उठी और तब तांत्रिक ने वापस से उसे पूछा कि तू बताएगी तेरी आइडेंटिटी, और वो कुछ कहने को तैयार नहीं थी, वो शांत बैठ गई थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और उसके गले में एक मंगलसूत्र था, वो मंगलसूत्र लिया और वो मंगलसूत्र के 4-5 टुकड़े करके वो मंगलसूत्र को नीचे फेंक दिया। जैसे ही उस मंगलसूत्र को तोड़ा, वो जोर जोर से वापस से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बट मुझे बदला लेना ही है मेरा, मैं बदला ले बिना नहीं जाऊंगी, मुझे बदला लेके ही रहना है। तो तांत्रिक ने कहा कि अब ये नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी देर में, बट मैं तुम्हें एक आदमी का इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये उसका नाम दे रहा हूं, इस जेल में वो आदमी बंद है, तुम उससे पूछना इसके पीछे की पूरी स्टोरी कौन है और ये चौथा बंदा कौन है। तो ये फैमिली ने बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को लेटर लिखे, बहुत सारे लोगों से परमिशन ली, बहुत रिक्वेस्ट की घर की कंडीशन बताई कि क्या घर पे कंडीशन हुई है, क्योंकि उनको परमिशन इतना इजीली मिल नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से उन्हें सिर्फ 5 मिनट उस बंदे से मिलने की परमिशन मिली। ये लोग उस जेल में गए, उस कैदी जिसका डिटेल दिया था पंडित जी ने उसको बताया, और पंडित ने जो डिटेल दिया था उस बंदे से जब ये मिले तो वो बंदे ने कहा कि एक्चुअली हम लोग का मेन काम था चोरी चकारी, कार की चोरी करना मेन, ये लोग कार की चोरियां करते थे अलग अलग सिटीज में। इनने इन जो 3 फ्रेंड थे, ये तीनों का काम था कि अलग अलग जगह पे गाड़ियां चोरी करना, ट्रक चोरी करना, कार 4 व्हीलर 2 व्हीलर अलग अलग चोरी के केस में कई बार ये अंदर भी जा चुके थे। इन्हें एक फीमेल ब्लैकमेल कर रही थी। अभी उसका रीजन क्या था वो उस बंदे ने क्लियरली नहीं बताया, बट उसे वो ब्लैकमेल कर रही थी एक फीमेल। तो इन तीनों ने जाके उस फीमेल का मर्डर कर दिया था, और उसके गले में जो मंगलसूत्र था वो निकाल लिया था उन तीनों में से एक ने। जब ये नीचे भाग के जा रहे थे तो इनको एक पुलिस हवलदार ने पकड़ा, वो पेट्रोलिंग कर रहा था, वो बाइक पे था, और उसको इन तीनों ने बोला कि देखो हमने ऐसा ऐसा किया है, बट हम सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तेरी कुछ मांग हो, तुझे कुछ फाइनेंशियल एड चाहिए हो, कुछ पैसे की चाहिए रहेगी, डिमांड रहेगी, हमें बता, हम तुझे अभी के अभी दे देते हैं, बट हम अपने आप को इस केस में सरेंडर नहीं करेंगे, हम भागने वाले हैं, तू अकेला है अभी के लिए, तो तू हमें पकड़ नहीं पाएगा। और उसने इनकी बात मान ली, कुछ पैसे की डिमांड की, इन लोगों ने वो पैसे फुलफिल कर दिए डिमांड। तब इनको पता चला कि ये पूरा स्टोरी क्या थी। उस बंदे ने बताया कि हम तीन जो इन्वॉल्व थे मर्डर में, उसमें से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ इस रिजॉर्ट के बाहर, एक जिस रिजॉर्ट में हम लोगों ने मर्डर किया था उसके बाहर उसका एक्सीडेंट हुआ, उससे ही थोड़ा दूरी पे दूसरे बंदे का भी एक्सीडेंट हुआ, उसकी वाइफ और वो कार में थे और दोनों की डेथ हो गई। और उसके बाद से मुझे रोज ये लगने लगा कि मैं जब भी लेटा हूं मेरे गले को कोई चोर से ऊपर बैठ के दबा रहा है, और मेरा जीना हराम हो चुका था, हर जगह मुझे मेरी मौत दिखाई दे रही थी, और इसलिए मैंने मेरा अपना गुनाह कबूल किया और मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जो आप चौथे आदमी की बात कर रहे हो, ये चौथा आदमी वो पुलिस वाला है और उसको ही ढूंढने के लिए वो बंदी बेकरार है। अनफॉर्चुनेटली वो जो पुलिस वाला था उसका बेटा था विष्णु, जिससे माधवी की शादी हुई थी, और वो अब उसकी वाइफ पॉजेस हो चुकी थी, क्योंकि उसको उसकी वाइफ के थ्रू अपना बदला पूरा करना था। बहुत मुश्किल से उस एंटिटी को मनाया गया,
जो हवलदार इस चीज में इन्वॉल्व था उसने भी अपना गुनाह कबूल किया, उसने भी पुलिस में अपने आप को सरेंडर करवाया और तब वो एंटिटी ने माधवी की बॉडी को छोड़ा। माधवी से जब बात किया कि ये सब हुआ कैसे, तो माधवी ने बताया कि जब उन्हें सेकेंड रिजॉर्ट के अंदर चेक इन किया था, उन्हें एक मंगलसूत्र मिला उसे, वो कबर्ड में जब अपने कपड़े रख रही थी उसे खिड़की पे पड़ा हुआ एक मंगलसूत्र दिखा, और उसने जब रियलाइज किया का जब उसने रियलाइज किया कि ये मंगलसूत्र सोने का है, उसने वो अपने गले में डाल लिया। और उसके बाद वो कब पोजेस हुई, उसने फिर उसके बाद क्या क्या किया, उसे उस चीज का कुछ भी आइडिया नहीं था। उसके बाद तांत्रिक ने इन्हें एक मंदिर में जाने के लिए कहा पूरी फैमिली को, बट उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई कि पूरी फैमिली को जाना पड़ेगा एक शमशान घाट में। उनने एक पोटली का गुच्छा बना के दिया, उस पोटली के अंदर बहुत सारी चीजें डाली हुई थी, कुछ नारियल के टुकड़े थे, कुछ नींबू के टुकड़े थे, कुछ कपड़ों के टुकड़े थे, बहुत सारी चीजें एक डाला, और उनको शमशान घाट के अंदर जाके दफन करके आके उसे एक खड्डा खोद के वहां पे गाड़ के आने के लिए कहा गया। बट ये जो कार्य करना था ये उनकी फैमिली के कोई भी जो करने वाले थे सिर्फ फीमेल मेंबर्स को करना था, तो उनने कहा कि किसी भी मेल को ये कार्य नहीं करना है, कोई भी मेल इस कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जब ये इंसिडेंट सब फीमेल लोग ने सुना, सबकी सब बहुत डर गई और कोई भी ये करने के लिए रेडी नहीं था। विष्णु की मम्मी रेडी हुई, विष्णु की मम्मी ने जाके ये पूरा प्रोसेस खत्म किया, क्योंकि शमशान घाट में रात के वक्त जाने के लिए कहा था, रात में 12 के बाद, और फीमेल लोग में हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऐसा कुछ कर सके, तो उनकी मम्मी ने बहुत हिम्मत दिखाई, उनने जाके ये पूरा प्रोसेस खत्म किया और नेक्स्ट डे से माधवी एकदम नॉर्मल हो गई और नॉर्मल बिहेव करना शुरू हुई। तो ये क्राइम प्लस हॉरर स्टोरी थी। आई होप आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।